गाजियाबाद की तहसील कबल में सीटीडी थाने के अंदर जोरदार धमाका, 12 अहलकार जा बहक, 60 जख्मी। धमाके के बाद थाने में आग लग गई, इमारत का बड़ा हिस्सा गिर गया। सर्च ऑपरेशन जारी, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक धमाका खुदकुश हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सुआद धमाके की शदीद मजम्मत, कीमती जाने नुकसान पर इजहार अफसोस, हुकाम से वाकई की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा पूरी कौम शहादा की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने भी सुआद धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। धमाके की शदीद मजम्मत, कहा दहशतगर्दी के इस नासूर को जल्द जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इंतखाबात के इनेकाद से इनकार, दस्तूर पर हमला है। कानून से बालातर तबका फस्ताइयत और वहशत की तारीख रकम कर रहा है। अपने मफादात के लिए आइन से इन्हराफ के नतायज तबाहकुन होंगे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खबरदार कर दिया। सीनियर सहाफियों और एंकर्स के इमरान खान से मुलाकात, चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था इंतखाबात के लिए आइन 90 रोज से तजावुज की इजाजत नहीं देता, आइन का कत्ल रोकने के लिए मैदान अमल में है। तहरीके इंसाफ ने आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली में हिजब इख्तलाफ की नशस्तों पर बैठने का फैसला कर लिया। ख्वाजा फारूक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे हिजब इख्तलाफ नामजद, पीटीआई आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सदारत की जिम्मेदारी अब्दुल कयूम नियाजी के सुपुर्द, ये फैसला तस्लीम करने वाले ही पार्टी में रह सकेंगे। ये हमारी हुकूमत नहीं, हम सिर्फ हुकूमत में शरीक हैं। कोशिश कर रहा हूं कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बन जाएं, लेकिन बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनने के लिए तैयार नहीं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में खिताब, कहा अपनी जिंदगी में बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनता देखना चाहता हूं। मेरे बाद बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो आगे आएंगे, बिलावल का साथ भी ऐसे देना जैसे मेरा साथ दिया। पीपुल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन का कहना था कि मुल्क बचाने के लिए इमरान खान को निकाला, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत आई तो लोगों को रोजगार देंगे। मुल्की सियासत में बड़ी पेशरफ्त, हुकूमती ऐवानों में वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम ने लीगी कायद नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं से मुशावरत कर ली। शहबाज शरीफ का 27 अप्रैल को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का इम्कान। वजीर इत्तलाआत मरियम औरंगजेब की तरदीद, कहा ना ऐसी मुशावरत हुई और ना इसकी ज़रूरत है, ये मन घड़त अफवाह हकीकत नहीं है। कौमी असम्बली तोड़े बगैर मुजाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे, सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही कहते हैं। हुकूमत मुजाकरात के बजाय सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुनज्जम मुहिम चला रही है। लाहौर में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान परवेज इलाही का कहना था पंजाब में नून लीग का टिकट कोई मुफ्त में लेने को तैयार नहीं, नून लीग की बॉयकॉट की बातें एतराफ़ शिकस्त है। मुस्लिम लीग नून गन पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवाना चाहती है। हम सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मानने के लिए तैयार हैं। असद कैसर कहते हैं मामलात आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा मौका दिया है, हम संजीदा हैं और आइन के मुताबिक मामलात हल करना चाहते हैं। मुल्क में फैलती एनआरकी को ख़त्म करने का वाहिद हल इंतखाबात ही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बुध को वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल होगा, सियासी जमातों से मुशावरती अमल से मुतालिक बातचीत होगी। हमारा चीफ जस्टिस साहब से यही मुतालबा है कि आप साहब साहबा की बात ना सुने, आप इस कौम की बात सुने, आप फैसले जो है वो इस कौम के हक में करें और इस मुल्क में एक दिन में सूबाई और कौमी इलेक्शंस करवाएं। चीफ जस्टिस सास की बात ना सुने बल्कि कौम की बेहतरी के लिए फैसले करें और एक ही रोज मुल्क भर में सूबाई और कौमी असम्बली की इलेक्शन करवाएं। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला का मुतालबा, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर तंजियावार, कहा कहने को सियासतदान है मगर सियासतदानों वाली बात नहीं, कहता है मुखालिफ से बात करने से बेहतर है मर जाऊं। अवाम के जहनों से ना खेलो, कौम के मुंह पर झूठ ना बोलो, मरियम औरंगजेब के इमरान खान पर वार, कहा इमरान खान ने समाज इखलाक सियासत और मईशत तहस नहस की।
मुल्क को मफलूज किया। तुम मुजरिम हो, मुजरिम ही रहोगे। इसीलिए फ्रॉडिया को काला कनस्तर मुंह पर चढ़ाना पड़ता है। वजीर इत्तलाआत का कहना था कि चीफ जस्टिस ने सास के खौफ से फैसला दिया तो ये हम होने नहीं देंगे। आईन से खिलवाड़ करने वालों को ना कौम बख्शेगी और ना हम छोड़ेंगे। सास दामाद से मर्जी के फैसले करवा रही है, तलाल चौधरी का दावा। चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा, सवाल किया। ऑडियो लीक्स की तहकीकात क्यों नहीं होती? इमरान खान की सहूलतकारी के लिए एक बार फिर माहौल बनाया जा रहा है। इमरान खान को लाने के लिए मखसूस किस्म के फैसले सुनाए गए। नए कानून के तहत बेंच ना बना तो फैसला कबूल नहीं करेंगे। पंजाब में इंतखाबी मैदान मारने के लिए तहरीके इंसाफ तैयार। आज से पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। पीटीआई का 27वां यौम तासीस भी भरपूर अदाज में मनाया जाएगा। इमरान खान वीडियो लिंक पर कारकुनों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आज पंजाब में एहतजाज मुलतवी कर दिया। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, मुज़ाकरात का रास्ता ही जमहूरियत बचाने का वाहिद हल है। पंजाब में इंतखाबात से मसाइल हल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ने आसिफ जरदारी की मफाहिमत की पॉलिसी के तहत एहतजाज मुलतवी किया। पीटीआई की जानिब से मशरूत मुज़ाकरात बाइस अफसोस हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सरकारी दौरे पर चीन आमद। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ का 4 रोज़ा दौरा चीन दोनों ममालिक के दरमियान मकसद मिलिट्री ताल्लुकात के फरोग के लिए है। आईएमएफ के स्टाफ लेवल मुहायदे की तमाम शराइत पूरी हो गई। एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द मुहायदा मंजूर कर लेगा। वजीर खजाना इसहाक डार पुर उम्मीद। कहा, सऊदी अरब और यूएई ने फाइनेंसिंग से मुतालिक आईएमएफ को आगाह कर दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर, यूएई ने 1 अरब डॉलर फराहम करने की तस्दीक कर दी। सूडान से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी का प्लान कामयाबी से जारी। 500 पाकिस्तानी पर मुश्तमिल पहला काफिला खरतोम से निकलकर सूडान की बंदरगाह पहुंच गया। खसूसी तैयारों से पाकिस्तानियों की वापसी शुरू। वजीर आजम ने हंगामी प्लान की खुद निगरानी की। वजीर आजम के बिलावल भुट्टो, हिना रबानी खर और वजारत खारजा के हुकाम को शाबाश। एयर चीफ और DGISI को खराज तहसीन। खुशियों सैर सपाटों और खाबों का दिन गुजर गया। ईद उल फितर के तीसरे रोज शहरियों ने खूब दावतें उड़ाई। मजेदार पकवानों से मेहमानों की खातिर तवाजो। मिठाइयों की दुकानों पर भी रश रहा। चाय के होटलों पर महफिलें जमी। बच्चों ने चिड़ियाघर का रुख किया, आइसक्रीम खाई और अपनी ईदी लुटाई। दरियाए सिंध में अटक कुर्द के मकाम पर ईद पर पिकनिक मनाने वाले 2 अफराद डूब कर जां बहक। रेस्क्यू की टीम ने दोनों अफराद की लाशें निकालकर वर्सा के हवाले कर दी। सेवन इंडस हाईवे पर कोस्टर उलट गई। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जा बहक, 10 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुतासर खानदान हजरत लाल शहबाज कलंदर के मजार पर हाजिरी के लिए जा रहा था। वजीर आला सिंध का हादसे पर गहरे दुख का इजहार। गवर्नर सिंध की भी लवाहिकीन से ताजियत। पंजाब में ईद के दिनों में खूनी हादसा। 2 रोज में 38 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। लाहौर में 2 दिनों में 16 अफराद जां बहक। ईद के दूसरे रोज 2204 लोग जख्मी हुए। वजीराबाद में मंचलों की मनमानियां। नौजवान वन व्हीलिंग करके फैमिलियों को हिरासत करने लगे। खुशियां मनाएं, जिंदगियां दांव पर ना लगाएं। रेस्क्यू की शहरियों से अपील। लकी मरवत में CTD और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द मारे गए, 1 दहशतगर्द फायरिंग से हलाक हुआ। 2 खुदकुश हमला आवरों ने खुद को उड़ा लिया। इंस्पेक्टर जावेद और हवलदार इरफान जख्मी। नामालूम अफराद की फायरिंग से शहीद होने वाले कर्नल रिटायर्ड मुकर्रब खान की नमाज जनाजा अदा। कंधकोट के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दुरानी महर से मुगवी संजय कुमार को पुलिस ने बाजियाब करा लिया। शिकारपुर से 2 नौजवान मुबैना तौर पर अगवा। वर्सा का एहतजाज, हुकाम से नौजवानों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा।
ठट्टा के साहिली इलाके घोड़ाबारी में तीन खवातीन समेत चार अफराद ने जहर पी लिया। दो खवातीन अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गईं। खानदान ने घरेलू हालात से तंग आकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस का मौका।